चलिए, पनागल पीसी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य का पार्ट ये थर्ड वीडियो है। इसमें अकबर की मनसबदारी व्यवस्था, सैन्य प्रबंध प्रणाली जिसको बोला जाता है, इसको मैं कंप्लीट कराऊंगा इसमें। चलिए मैं इसमें बोलते चलता हूँ। इसमें का ये मनसबदारी व्यवस्था था क्या, मतलब सैन्य प्रबंधन प्रणाली था क्या, जिसके द्वारा अकबर जो है शासन प्रशासन मतलब अपने क्षेत्र के उस टाइम में करता था। तो इसकी ये जो व्यवस्था थी चंगेज खान के दशमलव प्रणाली पर आधारित, जो जो चंगेज खान था जो मंगोल आक्रमणकारी था, जो ये सल्तनत काल से लेके आ रहा था, मतलब जो दिल्ली सल्तनत का जब काल चला था उस टाइमिंग से भी, मतलब इसका जो अपना नीति अपनाता था युद्ध के दौरान, उसी नीति को देखते हुए इन लोग भी वैसे मतलब फॉलो करते थे। चलिए रुकिए, मैं इसमें का इसका आगे का डिटेल में बताता हूँ। इसमें का मैं पहला, तो इसका पहला नोट करके इसमें याद रखना आप, तो दशमलव प्रणाली पर आधारित है। दशमलव प्रणाली पर क्या था ये आधारित था, ये किसका था, ये चंगेज खान का। ये पहला तो ये हो गया, मनसबदारी मतलब पद व्यवस्था था। इसका मेन मनसबदारी था, इसका मतलब था पद, मतलब कोई पद है, जैसे अभी गवर्नमेंट में जो पद होता है उसी टाइप का एक हायरार्की था, उसी टाइप का मनसबदारी पद। इसके प्रणेता कौन थे, इसका जो आइडिया कौन दिया था आपका, टोडरमल, टोडरमल द्वारा दिया गया था। ये सभी सैन्य प्रबंधन से जुड़े थे। कैसे व्यवस्था थे, सैन्य प्रबंधन, तो सैन्य प्रबंधन में कोई उन लोग को पद दिया जाता था तो उनका व्यवस्था कैसे था, दशमलव प्रणाली पर आधारित था। उनसे सीखे थे जो जो सैन्य का जो 10 सेना का उसका अश्व सेना जो घोड़े के पर सवार होते थे, फिर उसके बाद फिर उन लोग का अलग अलग उनका नाम रहता था, उनका टोटल कर करके। इनका जो पद था ना, जो सैन्य प्रबंधन का, वंशावली नहीं था, वंशानुगत मतलब अनुवंशिक नहीं था, वंशानुगत था, वंश आधारित था। वंश अनुधार मतलब जो सैन्य प्रबंधन में क्या करते थे, इन लोग जुड़ते जाते थे सदस्य के, उसका बेटा फिर उसका बेटा ऐसे करके, तो ये लगातार एक क्रम से मतलब उन लोग उसी काम में ही, एक व्यक्ति अगर सैन्य में कोई जुड़ गया तो उसका बेटा भी उसी में जाएगा, उसका पोता भी वहीं भी जाएगा, ये सभी इसमें जुड़ते चले गए। 1572 में एक इसकी शुरुआत की गई थी, जो इसका जो मनसबदारी व्यवस्था है ना, ये कब लाया गया था, ये 1572 ईस्वी में इसको लाया गया था। तो ये मनसबदारी वेतन के तहत क्या करता था, इसमें एक रूल था, इसमें क्या करता था, ये नगद वेतन देता था सैनिकों को अपने, क्या करता था, नगद वेतन देता था, और जागीर भी देता, जमीन उमीन भी देता था, तुरंत देता था, और जा भी लड़के आओ बोलता था, ऐसे मतलब प्लानिंग किया था। इसके पहले भी कई लोग भी इस्तेमाल किए थे, जो अलाउद्दीन खिलजी वो भी थे, वो भी नगद वेतन देता था, और फिर उसके बाद युद्ध अभियान होता था, पहले पैसा देता था फिर जाके फिर युद्ध होता था। तो सबसे छोटा जो मनसब का जो उसका वो था, जो सबसे छोटा मनसब पद के रूप में सबसे छोटा कौन होता था, 10 मनसब, 10 मनसब जो है सबसे छोटा, और 10 1 हजारी होता था, 10 हजारी सबसे बड़ा, सबसे बड़ा ये सबसे ये छोटा 10 मनसब। बीच का भी है होगा, लेकिन इसको याद रखो, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इनके पास दोनों तरह के, मतलब जैसे कि सैन्य में बोलेंगे ना, तो इनके पास जो पैदल चलने वाले भी थे और सवार वाले भी थे, दोनों तरह के सैनिक सैन्य प्रबंधन थे। इनको जो वेतन वेतन भत्ते सब इन्हीं इनके द्वारा दिया जाता था, जो भी टैक्स उस लगाते थे, जो आपका फसल उसल में हो गया, जो और भी जो या लूट पाट जो भी जीत जीतते जीतते थे कहीं क्षेत्र से,
तो वहां से मतलब ये इकट्ठा करके इनको अपना पैसा देते थे इन लोग। तो इसमें जो अभी इसकी राजपूत नीति बता देता हूँ, राजपूत नीति क्या थी अकबर की। ये तो हो गया मनसबदारी व्यवस्था, इसकी राजपूत नीति। अब राजपूत नीति क्या थी, तो राजपूत नीति तीन प्रकार के, तीन आधार पर थे। पहला तो ये विवाह करते थे, फिर युद्ध करते थे, या मित्रता। तीन तरह से इन लोग क्या करते थे, तो अपना जो प्रशासन को क्षेत्रफल का मतलब जो भी एरिया है आपका व्यवस्था, उसको बढ़ाने का तरीका था। तो अकबर ने इसको अपनाया था, कौन कौन से। पहला देखिए विवाह, विवाह, युद्ध, युद्ध था एक, मित्रता, मित्रता। तो ये इसको साम्राज्य विस्तार करने का, तो मित्रता बना लेता, मित्रता करके क्या करता था, ये साम्राज्य को विस्तार करता था। पहला थे, एक था युद्ध के दौरान, युद्ध के दौरान कोई क्षेत्र जीत जाता था तो उसको भी अपने क्षेत्र में युद्ध के द्वारा इसका विस्तार होता था। या फिर विवाह हुआ के संबंध, कोई वैवाहिक संबंध बना लेता था किसी से, तो इसके दौरान ऐसे फैल, पूरा फैलते गए। फिर इसका अकबर के जो नीति के समय जो विस्तार होते गया, इसका जो साम्राज्य को बड़ा रूप दिया गया। एक आर्थिक प्रणाली मतलब इनके द्वारा जो, चलो मैं इसका अगले पेज में बताता हूँ। ये था राजपूत नीति, इसका हो गया। इसके बाद है एक इनके द्वारा जो आर्थिक जो व्यवस्था थी, कैसी थी आर्थिक व्यवस्था, कैसा था। आर्थिक व्यवस्था इसके मतलब टाइमिंग में कैसा था, इसको बताता हूँ मैं। तो इसका जो वित्त मंत्री था, वित्त मंत्री कौन था, टोडरमा। तो इसी के द्वारा मतलब पूरा प्रशासन उशासन होता था वित्त मंत्री के द्वारा। तो इसने किया राजस्व क्षेत्र में क्या किया, एक दहशाला, दहशाला व्यवस्था लागू की। क्या लागू की, दहशाला व्यवस्था इसके द्वारा लागू किया गया। तो दहशाला व्यवस्था लागू की ना, तो उसमें ये किसके लिए था, ये आपका राजस्व व्यवस्था के लिए, जो भू राजस्व व्यवस्था जो प्रणाली था जो चल रहा था उसके व्यवस्था के सुधार के लिए उसमें लाया गया था। तो इसमें जो जो मतलब जो राजस्व व्यवस्था थी, राजस्व व्यवस्था इसके अंतर्गत में क्या क्या शामिल थी, इसमें एक था जप्ती, जप्ती नाम था एक। तो इसमें कर लगाया, मतलब राजस्व के आधार पर क्या लगाया, कर मतलब टैक्स लगाता था, टैक्स लगाता था जप्ती। तो जप्ती के अंतर्गत में क्या, तो विगत वर्षों के जो आपका जो आधार पर जो लगान निश्चित करता था, जो पुराने एक साल मतलब अभी लगाना, जैसे मान लो टैक्स, तो एक साल पहले का उसको देखता था कि कितना इसका एक साल के पिछले साल इनकम हुआ है, या कोई फसल उसा से संबंधित कोई जितना भी उसका सैलरी मतलब कितना बना साल का, तो उसके हिसाब से इसको लगान मतलब दिया लिया जाता था, लगान जब्ती का मतलब। एक था बटाई, तो इसमें बटाई में क्या था, बटाई को जान रहे हो, जो कृषक उस फसल उसल का विभाजन किया जाता था, शासन व्यवस्था को इसको विभाजित किया जाता था। देखिए बटाई का शासन व्यवस्था अलग है, और जो किसान कृषक का जो फसल उसल उगाते थे तो उसका क्षेत्र को भी बटाई होता था, खेत बटाई जिसको बोला जाता था। तो पुरानी पद्धति है, प्राचीन काल से चले आ रहे बटाई पद्धति, तो यही था वो बटाई का मतलब, वही बांटना मतलब। एक है दानाबंदी वाला, एक दानाबंदी नाम था। अब दानाबंदी क्या, तो ये अनुमानित आधार पर था, ये भी टैक्स से ही संबंधित था, लगान, लगान दिया जाता था। तो दानाबंदी आपका अनुमानित था, ऐसा नहीं था मतलब कोई करेक्ट होगा, अनुमानित, अनुमान के अनुसार पर ही, कोई मतलब पैमाना भी नहीं था कि इतना टैक्स लिया जाना चाहिए, कुछ भी पैमाना उमान नहीं था, एक अनुमान के आधार पर देख लिया जाता था उनके जमीन जायदाद को, फिर टैक्स जो भी आपका लगा दिया था, लगान मतलब उनसे वसूल लिया जाता था। एक है इनका एक और नाम था नस्क, नस्क क्या चीज है, तो संपूर्ण गांव में इसका ये अगला है, ये इधर का है। नस्क क्या है, संपूर्ण गांव में
पूरे गांव का जो लगान एक साथ, पूरे गांव में जितने लोग रहते थे उन लोग एक साथ मतलब टैक्स पटाते थे, मतलब एक एक बार में एक साथ, मतलब एक साथ लगान मतलब देते थे पूरे गांव के लोग। एक गांव का क्षेत्र है, उस पूरे क्षेत्रफल में जितने लोग बसे पूरे गांव भर का, जैसे बालकों का है, बालकों हमारे क्षेत्र का, तो बालकों का पूरे एक टैक्स उनके एक साथ देंगे, तो उसका क्या बोला जाता है, नस्क बोला जाता था। या तो दिल्ली के बोलेंगे तो दिल्ली के पूरे एक क्षेत्र का बोलेंगे, वहाँ टैक्स लगेगा तो सभी का उसी में सम्मिलित हो जाएगा। अब उस टाइमिंग में इन लोग क्या किए थे, जो राजस्व व्यवस्था भूमि को क्या किए थे, चार भाग में बांट दिए थे, जिसको चार भाग में मतलब उसको बोला पोलज, परती, चाचर और बंजर। क्या नाम था, पोलज, परती और चाचर और बंजर भूमि, इसमें बांटा गया था भूमि को। तो भूमि को लिख देता हूँ इसमें का, भूमि को कितने चार भाग में बांटा गया था, इसमें नाम लिख देता हूँ पोलज, परती, चाचर, एक बंजर। पोलज, परती, चाचर और बंजर भूमि। तो बंजर भूमि जान रहे हो, जो बंजर में आप देखे बंजर भूमि रहती है, जो खेती खींचे वो खेती उती नहीं कर पाते, उसमें पानी उनी की सिंचाई उचाई सुविधा नहीं रहती है, जमीन में दरार उरार पड़ जाता है। और पोला जो परती एक जो कुछ समय के लिए छोड़ भी देते हैं, कुछ मतलब खेती को करने के बाद देखे होंगे उपजाऊपन उसके ख़त्म हो जाती है, दो तीन बार लगातार करोगे तो मिट्टी की उर्वरता को मतलब बनाए रखने के लिए उसको परती छोड़ दिया जाता है। तो ये परती हो गया, एक है चाचर और पोलज, तो इससे भी वही संबंधित थे। एक अलग भूमि जैसे जो नई नवेली मतलब जिसको उसमें नया फसल लगाया जाता था उससे संबंधित थे, या जो घर वर जिसको बनाते थे तो उनमें इसको अलग से बांटा गया था। इनका जो जो वर्षों के आधार पर, जो उपज के आधार पर इनका टैक्स लिया जाता था, भूमि का जैसे टैक्स या कर जो भी आपका जो, तो इनका जो औसत आधार पर 10 वर्ष के आधार पर लिया जाता था, पूरे 10 वर्ष में औसत औसत रूप से ऐसे लिया जाता था फसल, ऐसा नहीं था हर साल नहीं लिया जाता था, 10 वर्ष का उसका माप कर लेगा किसी भी एक व्यक्ति का लेना है तो, और उसमें से 1/3 हिस्सा लिया जाता था, मतलब 10 वर्षों का औसत कितना मतलब कमाया जो भी, मतलब जैसे 100 रुपया का मतलब 1,000 कमाया, 1,000 कमाया आपका और 10 वर्ष में, तो उसमें से लगभग इसका 1/3 रुपये मतलब जितना होगा उसको मतलब देना पड़ता था औसत में से। ये औसत का है ना, औसत मतलब ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकता है, तो ये सब इसकी टकसाला पद्धति कहलाती थी। दशहरा व्यवस्था टोडर मनीला है लागू किया, मतलब उसी के टाइम में था। और टकसाला पद्धति आपका जो भूमि से संबंधित है, टकसाला पद्धति ये भूमि से संबंधित है, किससे संबंधित है, भूमि से संबंधित है। तो ये हो गया, इसको इस काम का चीज नहीं है। हम ये देखिए इसमें कंप्लीट, इसमें बता दिया हूँ इसमें कम है। अब इसका आगे जो भी युद्ध अभियान होंगे इसके, उसको मैं बताता हूँ क्या क्या इसमें कहाँ कहाँ युद्ध अभियान लगे, किसको जीता किसको हारा। तो अकबर का विजय अभियान, अकबर का क्या इसमें क्या आएंगे, विजय अभियान। तो देखिए इसमें क्या क्या आएंगे, तो पहला इसमें गोडवाना, गोडवाना को जीता, गोडवाना विजय। ये कहाँ है आपका, ये तेलंगाना के आसपास का क्षेत्र था, 1564 में गया था ये इसको आक्रमण करने। उस समय जो शासिका थी दुर्गावती से युद्ध किया, दुर्गावती इसकी शासिका थी, अकबर विजित हुआ, अकबर इसमें जीत गया। अब मुगल साम्राज्य में गोडवानों को क्या किया, उसको सम्मिलित कर लिया, दिल्ली में बैठा, सोचो वहां से वो उधर लड़ने गया, किधर अब तेलंगाना के आसपास का क्षेत्र को, जीत के यहाँ अपने क्या किया इसमें इकट्ठा कर लिया। एक है मेवाड़, मेवाड़ पर आक्रमण किया इसने 1566 में से 77 तक। तो मेवाड़ पर आक्रमण जब किया तो इसमें राणा उदय सिंह था इसका शासक, था राणा उदय सिंह इसका शासक था।
मेवाड़ का शासक था राणा उदय सिंह। तो उदय सिंह को इसको हरवा दिया। कौन हरवा दिया? आपका अकबर हरा दिया, अकबर हरा के पराजित कर दिया और गिरफ्तार नहीं किया इसको, मतलब गिरफ्तार नहीं हुआ, भाग गया, ये हार गया। लेकिन राणा उदय सिंह, लेकिन ये मेवाड़ आपके राजस्थान में है, इसको याद रखना। आप कहाँ पास है? आपके राजस्थान में। तो वहाँ का शासक कौन था? उदय सिंह था। उदय सिंह को हरवाया कौन? अकबर, पराजित करके। और ये भाग गया कहाँ? कहीं और दूसरे जगह चल दिया। और मेवाड़ को मतलब विलय नहीं कर पाया इसको, मतलब अपने राज्य क्षेत्र में विस्तार नहीं कर पाया। ये सीपी ऐसे ही था, मतलब जीता था और मतलब उसको अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं ला पाया। इन्हीं के जो मेवाड़ शासक में दो एक सेनापति थे जो काफी मतलब बलवान थे, जयमल और फत्ता। जयमल और फत्ते, फत्ता की स्मृति में वो देखिए, पहला जयमल थे, दूसरा फत्ता। दो सेनापति इनके दरबार में थे, सेनापति इनके। जो इन स्मृति में देखे होगे तो कोई जान रहा होगा तो इसमें आगरा के जो किले के सामने मूर्ति लगवाई है। आगरा में किला है एक, तो लाल लाल टाइप का लाल महल भी है, तो वहाँ इसकी मूर्ति लगी गई है। आगरे में मूर्ति इसको लगवाई गई है। तीसरा चलिए हो गया, तीसरा एक हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध इसमें सम्मिलित हूँ। तो ये 1576 से 76 में मतलब लड़ा गया था। और इसका 5 नवंबर कुछ बताया था, इसका टाइमिंग में नवंबर उम्बर कुछ था इसमें, 5 या 15 नवंबर था। तो इसके हल्दी घाटी में कौन था? महाराणा, महाराणा प्रताप। कौन था इसमें? महाराणा प्रताप थे। ये भी मेवाड़ का शासक था, क्योंकि ये सब हल्दी घाटी सब ये आपका राजस्थान में था। तो राजस्थान में सब लड़ने गया तो उसी टाइम का अभियान था। यहाँ लड़ रहे कितने? देखिए 66 से 77 में, फिर 10 साल बाद मतलब 66 से 77 तक देखो, 10 साल तक लो चलता रहा, मतलब चल रहा था, मतलब मेवाड़ पर आक्रमण 10 साल तक लगभग इसका युद्ध चलता ही रहा था। फिर उसके अगले साल बाद मतलब ये मेवाड़ उसी के हल्दी घाटी युद्ध उसी टाइमिंग में अंतिम में इसको लड़ा गया। तो उस टाइमिंग में अकबर का सेनापति कौन था? यहाँ से अकबर का सेनापति मानसी। ये अकबर का क्या था? सेनापति था। अकबर का सेनापति कौन था? मानसी था, एक आसफ खान था। कौन था? एक आसफ खान था। अकबर का सेनापति कौन था? मानसी था और एक आसफ खान था। तो दोनों ने जब इसमें क्या किया, इसमें नगर को ही पराजित कर दिया। महाराणा प्रताप पराजित हुए लेकिन गिरफ्तार नहीं हुए। जैसे कि ये भाग गया उदय सिंह, भागा ना, ये भाग गया वैसे ये भी भाग गया, ये हार गया महाराणा प्रताप। जो अब देखे होंगे पोस्टर उस्टर जो लगा रहे थे महाराणा प्रताप का भाला लेके, तो ये क्या हुआ? हार गए, ये हार गए। और ये फिर मतलब हरवा दिए इसको, किसको? इसको हरवा दिए। और ये पराजित हुआ और भाग गया, ये वहाँ से वहाँ पास नहीं था, गिरफ्तार नहीं हुआ। इसके बाद जस्ट तुरंत बाद इसका गुजरात पहले हो गया था ये, इसको मैं आगे पीछे हो गया इसका। गुजरात अभियान था 1571 में, गुजरात अभियान में गया था। तो ये किसके विरुद्ध था? ये मुजफ्फर खान एक शासक था उस टाइम का। कौन था आपका? मुजफ्फर खान इसके शासक थे, तृतीय तीसरे नंबर का शासक था गुजरात के। तो यहाँ क्या हुआ इसमें? तो इसी में जो मुझे इसको हरवा दिया, अकबर ने इसको हरवा दिया और फिर उसको विजित कर लिया। बाद में फिर ना एक मिर्जा अजीज नाम के थे, वो क्या हुआ इसके शासक हुए गुजरात के। तो मिर्जा अजीज ने द्वारा भी विद्रोह कर देने से इसका जो पहले तो इसको हरवा दिए ये मुजफ्फर खां को, फिर मिर्जा अजीज भी वो भी विद्रोह करना प्रारंभ कर दिए। जब अकबर जा रहा था हरवा के, तो अकबर ने क्या किया? दोबारा फिर उसकी गुजरात आक्रमण कर दिया। तो पहला ऐसा शासक था जिसने
विश्व का सबसे तीव्रतर मतलब अभियान है, अभियान चलाया था इसने, जो अभियान इतिहासकारों ने बोला है, क्योंकि उसने अभी एक बार विद्रोह किया है, अब वो उसने दोबारा फिर विद्रोह करना है। तो क्या किया, एक बार अकबर गुजरात से वापस जा रहा था, मतलब अपने दिल्ली, तो फिर क्या किया, बीच में रास्ते में पता चला उसको कि फिर उसने विद्रोह प्रारंभ कर दिया, तो उसने फिर जाके फिर उसको आक्रमण कर दिया, फिर उसको हरवा हरवा के फिर वापिस आया। तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में तो इसने क्या किया, नई राजधानी का नाम मतलब एक बनाया था, फतेहपुर सीकरी, जो आपका दिल्ली के पास है, फतेहपुर सीकरी आपका, जहाँ पर शेख सलीम चिश्ती, शायद ये राजस्थान में है, इसको देखना आप, इसका करेक्ट करना, इसमें कहाँ पास है, फतेहपुर सीकरी इसका जो नई राजधानी इसने बनाई, एक वहाँ बस वहीं पास एक शेख सलीम चिश्ती का क्या किया गया, नगर बसाया, मतलब शेख सलीम चिश्ती की याद में, मतलब शेख सलीम चिश्ती की याद में क्या किया इसने, शहर बसाया, फतेहपुर सीकरी शहर बसाया, और बुलंद दरवाजा का क्या किया इसने, निर्माण करवाया, बुलंद दरवाजा का इसने निर्माण करवाया। अब बुलंद दरवाजा आप लोग चेक कर लेना कहाँ पास, मेरे को तो ऐसा लग रहा है दिल्ली के गुजरात के पास है, उसको देख लेना, बुलंद दरवाजा इसी के गुजरात के अभियान के विजय के दौरान मतलब इसको लाया गया। चलिए इसका मैं आगे को बताता हूँ, इसमें क्या ना, ये तो इतना कंप्लीट हुआ इसका। तो अकबर का देखिए इसमें बताता हूँ, अकबर ने अब क्या किया, गंधार जाया गया, अभी अभी मैं अभी क्या है, गुजरात में था, एवं काबुल काबुल अभियान लड़ा, काबुल, अरे गंधार में, गंधार कहाँ आपका, पाकिस्तान में, काबुल कहाँ आपका, अफगानिस्तान में। तो वहाँ जाके क्या किया, अपने पूर्वजों का क्षेत्र होने के कारण वहाँ उसको जीतना चाहता था, इसलिए वहाँ हो गया, ये आपका 1581 में लगभग, कहाँ 1581 ईस्वी में वहाँ गया, और क्या किया, पहला तो गांधार जीता, गांधार को मैं बता दे रहा हूँ पाकिस्तान में, और काबुल आपका अफगानिस्तान में। 1596 में क्या हुआ, अकबर का दक्षिण अभियान चला, 1591 में चला, 1596 में अकबर ने खानदेश और अहमदनगर को विजित किया। इसमें क्या बोल रहा हूँ, अकबर द्वारा एक खानदेश जगह का नाम है, एक अहमदनगर है, खानदेश और एक अहमद अहमदनगर नाम है जगह का, तो इसको क्या किया, इसको विजित किया। तो ये तो हुआ आपका दक्षिण अभियान 1591, खानदेश और अहमदनगर दो हो गए। उस समय अहमदनगर की शासिका कौन थी आपका, तत्कालीन शासिका बीजापुर के शासक की विधवा चांद बीबी थी। जब ये अकबर का दक्षिण अभियान हुआ ना, तो अहमदनगर का जो विजित करने गया था, जब आपका अकबर गया था, तो उसका जो शासिका उस टाइम में कौन थी, चांद बीबी थी। अहमदनगर ये बीजापुर, ये आपका कर्नाटक और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र बॉर्डर में थे, कहाँ थे, चांद बीबी थे, समझ गए, इसमें चांद बीबी थे। अकबर ने देखे अहमदनगर को जीत लिया, और क्या क्या, चांद बीबी ने फिर आत्महत्या कर ली, इसको मतलब अकबर जब जीता ना, इसको मतलब अहमदनगर को, तो चांद बीबी ने आत्महत्या कर ली, और जो खान देश को तो जीत ही चुका था 1596 में। एक असीरगढ़ का किला उनके पास पहुंचा 7वें नंबर में, 1601 में गया, देखिए 10 साल बाद गया है असीरगढ़ किला। तो इसमें क्या है, तो अकबर का अंतिम विजय अभियान ही था, अकबर का क्या है अंतिम विजय अभियान क्या था, असीरगढ़ था। तो असीरगढ़ क्या है, दक्षिण का प्रवेश द्वार है, क्योंकि ये बीच में पड़ता है ना असीरगढ़ का किला जो था, नहीं मेरे ख्याल से असीरगढ़ आपका मध्य प्रदेश में है,
दक्षिण का प्रवेश द्वार था, इसलिए इसको जीतना चाहता था। तो ये हो गए इसके दक्षिण अभियान, इसका और उत्तर अभियान, जितने भी इसके जो जो भी युद्ध थे सभी इसमें कंप्लीट हो गए। इसके बाद इसमें जो अकबर द्वारा और भी मुख्य नोट करके याद रखिए, इसको मैं अलग से बता देता हूँ इसमें नोट करके, इनके युद्ध के अलावा भी। और तो आप लोग ये वीडियो को वो कर मतलब पीछे करके आप लोग देख लेना कि कौन कौन से सन में कौन कौन सा अभियान लड़ा गया है, कौन कौन विजित किया है, वो क्या क्या बोला हूँ, हर चीज़ को इसमें लिखा नहीं है, लेकिन जो बोला हूँ इसमें मतलब आप लोग सुनिएगा, उसको याद कीजिएगा। तो अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध चित्रकार थे अब्दुल समद। क्या थे? अब्दुल समद, अब्दुल समद के नाम के थे, एक दसवंत और बसावन भी थे। ये कौन थे आपका? चित्रकार थे। कौन थे आपके चित्रकार थे? अब्दुल समद और दसवंत और बसावन। प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? अब्दुल समद, दसवंत और बसावन भी अकबर के दरबार के चित्रकार थे। तो अकबर के इसको याद रखिए, दो चित्रकार थे इसमें, दरबार के दो चित्रकार थे, प्रसिद्ध कौन था उसमें? अब्दुल समद। तो तीन लोग थे, अब्दुल समद, दसवंत और बसावन, इसको याद रखना। एक सूफी संत था इन्हीं के टाइमिंग में, इनके समकालीन था, शेख सलीम चिश्ती। इसका मकबरा भी बनाया गया था इनकी याद में, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी उस टाइम में, अपने प्रशासन में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। इन लोग की फारसी भाषा इस्तेमाल करते थे। इन लोग कौन सा लैंग्वेज बोलते थे? मतलब अकबर लोग फारसी भाषा, फारसी भाषा का इस्तेमाल करते थे अकबर लोग। इनकी राजकीय जो भाषा थी फारसी थी। और अकबर ने सीरी कलम की भी उपाधि धारण की थी। और जो अब्दुल समद थे, सीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को दी और जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया। खुद ने लिया मतलब अकबर ने दूसरे को दिया, सीरी कलम अब्दुल समद को और जड़ी कलम आपका मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया। और अकबर एक अनपढ़ शासक था, इसको याद रखना। अकबर क्या था? एक अनपढ़ शासक था, समझ गए इसमें? अनपढ़ था फिर भी देखो उसका साम्राज्य विस्तार काफी किया, इतने सारे प्रबंध कराए आम पब्लिक के लिए, सभी के लिए। तो ये वीडियो तो हो गया कंप्लीट। इसके बाद फिर जहांगीर आएंगे, शाहजहां आएंगे, उनके शासन के बारे में बताऊंगा इसमें का। फिर प्रशासन का वीडियो आएगा, ये पार्ट आप मेरे ख्याल से तीन तीसरा है वीडियो है। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और इसमें जो जो एडमिशन लेना चाहते हैं इसमें ले सकते हैं, मतलब संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो देखने आप सभी का धन्यवाद।